लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही कांग्रेस महामंथन में जुटी है। कांग्रेस के लिए ये हार इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि 2014 के चुनाव में अपने 44 सीटों के आंकड़े में महज 4 सीटों का ही इजाफा कर पाई। कई राज्यों में तो उसका सूपड़ा ही साफ हो गया, खासकर उन राज्यों में जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी। यही वजह है कि पूरी पार्टी हार के कारण और कमजोर पहलू को तलाशने में जुटी है। उधर पार्टी चीफ राहुल गांधी भी पीएम मोदी और बीजेपी के विकास रथ को रोकने के लिए हरकत में आ गए हैं। खबर है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की कायापलट के लिए बेहद ही 5 प्लान तैयार किए हैं। नंबर 1, हार की समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है कि राहुल की योजना में सबसे पहली चीज हार पर प्रभारियों से रिपोर्ट जुटाना है। उन्होंने पार्टी के सभी प्रभारियों से लोकसभा चुनाव में मिली हार पर रिपोर्ट मांगी है, जिसकी गहराई से समीक्षा होगी। नंबर 2, हार की वजह तलाशी जाएगी। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक यानी कि बूथ स्तर पर अपनी हार की वजह जानने का फैसला किया है। हार की वजहों को तलाशने के साथ ही स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया लेने से लेकर नेताओं से भी इनमें प्रतिक्रिया ली जाएगी। नंबर 3, काम के तौर तरीकों में बदलाव। प्लान नंबर 3 के तहत राहुल की पार्टी कार्यशैली और संगठन में बदलाव पर सोचेगी। सीनियर नेताओं से बातचीत और आपसी सहमति के बाद उस पर अमल किए जाने की कोशिश की जाएगी। नंबर 4, गलती जानने की कोशिश। चौथे प्लान में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर गलती कहां और कैसे हुई। और नंबर 5, दूर की जाएंगी कमियां। पांचवें और आखिरी प्लान का मकसद पाई गई सभी कमियों को दूर कर नए और सकारात्मक चीजों को अपनाकर बदलाव में जुटना होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ती नजर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में उसी के आधार पर अच्छा खासा जनादेश हासिल किया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा की 542 सीटों पर हुए बीजेपी को अपने दम पर 303 और एनडीए को 553 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 52 सीटें ही आ सकी। हालांकि अपने प्लान के जरिए राहुल कांग्रेस की कायापलट करने में कहां तक कामयाब होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।